नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमिटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है. हाई लेवल कमिटी रिकमेंडेशंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस दैट दोज रिकमेंडेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड टुडे बाय द यूनियन कैबिनेट. एंड एज यू आर अवेयर 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे. उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे. जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो. और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है. पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन टू फेजेस. इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पोलिटिकल पार्टीज, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. इन सबके एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी. वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना. साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट?